दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे, अगर आप मीशो एप्लीकेशन के अंदर अपना बैंक डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं और आपका जो आईएफएससी कोड है वो काम नहीं कर रहा है, आपके सामने नॉट रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाता है या आपका बैंक यहां पर ऐड नहीं होता है, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बताएंगे कि आखिरकार अपना बैंक डिटेल्स अपने मीशो एप्लीकेशन के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से बैक आना है, आपका जो मीशो एप्लीकेशन है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको अपना बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको करने का है अपने बैंक अकाउंट का आपको आईएफएससी कोड पता होना चाहिए और आपका अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको आईएफएससी कोड अभी तक आपके बैंक अकाउंट का नहीं पता है तो आपको कैसे पता करना है, तो इसके लिए आपको यहां से बैक आना है और आपको प्ले स्टोर से एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है जिसका नेम है आईएफएससी कोड फाइंड। आप इस पर क्लिक करेंगे यानी कि इसे आपको डाउनलोड करके इसे आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ऐड भी देखने को मिलेगा, छोटा छोटा ऐड, तो उसे आपको यहाँ पर स्किप करना है। तो जैसे कि हमारे सामने ऐड आ चुका है तो हम इसे अभी यहाँ पर कट कर देंगे, इस तरीके से आपको कट कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत तरीके मिल जाते हैं अपना आईएफएससी कोड निकालने का अपने बैंक अकाउंट का। अगर आप अपने पिन कोड से निकालना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने बैंक का नेम और अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना ब्रांच डाल के निकालना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो हम यहां पर अपना पिन कोड डालकर यानी कि हमारे जो स्टेट का पिन कोड है वो डालकर हम अपने बैंक को फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर फाइंड आईएफएससी कोड बाय पोर्टल कोड पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ से ऐड को कट करेंगे, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। तो हम यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देते हैं, जो भी हमारा पिन कोड है, मैंने यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सारे बैंक आ चुके हैं। तो ये है हमारा बैंक, यहाँ पर देखेंगे ये रनिया ब्रांच में है, तो यहाँ पर आ चुका। आप इस पर क्लिक कर देंगे अपने बैंक पर, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे बैंक का ये आईएफएससी कोड आ चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे ये आईएफएससी कोड है, इसे आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और अब यहाँ से आपको बैक आना है। अब आपको फिर से अपना मीशो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे आप मीशो एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उससे पहले हम आपको एक ऐसा कोड बताने वाले हैं जिस कोड को अगर आप अप्लाई कर लेते हैं अपने अकाउंट पर तो आपको ऑर्डर करने पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा कोड है और कैसे अप्लाई होगा वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक कर लेना है, क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर मिलेगा कोड डालने का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको स्क्रीन पर जो कोड देखने को मिल रहा है यूनिक कोड है और वो कोड अभी सभी अकाउंट के अंदर एक्टिवेट हो रहा है, तो वही कोड आपको यहाँ पर डाल के सबमिट कर लेना है और आपका कोड आपके अकाउंट पर एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे आपका अकाउंट पर एक्टिवेट हो जाएगा तो जब आप फर्स्ट ऑर्डर करेंगे या आप कभी भी ऑर्डर करेंगे तो उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 30% आपके उस ऑर्डर पर ऑफ रहेगा। तो आपको ये यहाँ पर ये कोड जो है आपको अप्लाई कर लेना है। अब बात करेंगे अपना बैंक कैसे ऐड करेंगे। बैंक ऐड करने के लिए फिर से आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माय बैंक डिटेल्स, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर को कन्फर्म कर देना है, यहाँ पर आपका जो होल्डर नेम होगा वो यहाँ पर डाल देना है और जो आपने आईएफएससी कोड अभी कॉपी किया है आपने फाइंड करके वो आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो हम यहाँ पर सारा डिटेल्स अपना फिलअप करते हैं। मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है और यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट नंबर कन्फर्म कर दिया है, मैंने यहाँ पर अपना नेम डाल दिया है और मैंने जो कॉपी किया है अपना आईएफएससी कोड या आपको पता होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे और नीचे आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो मैंने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद फिर से अपने बैंक डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बैंक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो नेम है और जो आपका अकाउंट नंबर है और जो आपका आईएफएससी कोड है और जो आपने वेरिफिकेशन नेम यानी कि जो आपका नेम ही है वो यहाँ पर डाल दिया है तो आपका यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना बैंक यहां पर एडिट कर सकते हैं या अपना दूसरा बैंक अकाउंट यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मीशो एप्लीकेशन के अंदर अपना बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं और उसके बाद जो भी पैसे आप यहां से कमाएंगे वो आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।